नेवल लाइटिंग क्या होती है, बहुत से मैसेजेस हैं, बहुत से कमेंट सेक्शन में मैसेजेस हैं, मैम नेवल हमें बहुत पसंद है लड़कियों की, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, क्या है ये, कौन सा फेटिश है, इसे कैसे इंप्रूव किया जाए, क्या ये जेन्युइन है, क्या ये नॉर्मल है, डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे। हाई, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर, पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और आज मैं बताने वाली हूँ ऐसी फैंटेसी के बारे में जो होती तो बहुत लोगों को है लेकिन बताते नहीं है, और अगर है तो फिर ये वीडियो अंत तक देखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए, मैं बात करी थी नेवल फैंटेसी के बारे में। ऐसी कोई भी मूवी नहीं है और ऐसा कोई भी सेंशुअल बारिश वाला गाना नहीं है जहां फीमेल की कमर को नहीं दिखाया जाता है। फ्रॉम अप्रिशिएटिंग शिल्पा शेट्टी की उसकी कमर बहुत अच्छी है, टू हर फीमेल में कहीं ना कहीं कमर के पार्ट को, ब्लाउज साड़ी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, मेल्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और नेवल आजकल दिखाने का बहुत ट्रेंड भी हो गया है। उर्फी जावेद से ले लीजिए, किसी को भी कर लीजिए, कभी भी उन्होंने अपने नेवल को ढका नहीं है। सो नेवल फैंटेसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ट्रेंडिंग है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट देती है। अभी भी वीडियो बना रही हूँ तो मेरे को याद आ रहा है राउडी राठौर का अक्षय कुमार जो सोनाक्षी सिन्हा की कमर को देख कर कंट्रोल नहीं कर पाता। एक ऐसा सीन है उसके अंदर कि वो मैरिज में होते हैं और उसे कंट्रोल नहीं होता और वो फटाफट से उसको लपकने की कोशिश करता है। दिस इज वेरी कॉमन फैंटेसी, इसको हम बेली फैंटेसी या नेवल फैंटेसीज कह सकते हैं, और ये आज का नहीं है, दिस इज समथिंग कॉल्ड कल्चरली। वैसा है कि इंडियन ट्रेडिशन में फीमेल्स ब्लाउज पहनती हैं और उसके नीचे का जो एरिया है वो अट्रैक्ट करता है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी देखा जिसके अंदर लड़की रेलवे जो अपना बुगी है उसमें अपना सामान ऊपर रख रही थी, एंड देयर वाज अ बॉय सिटिंग देयर, जिसको उसका नेवल दिखा और वो कंट्रोल नहीं कर पाया। इस तरह की कुछ बहुत कॉमन वीडियोस, मूवीज या कुछ क्लिप्स बहुत ज्यादा फेमस होते हैं क्योंकि बॉयज को वो चीज अट्रैक्ट करती है। अब बात करते हैं ये नॉर्मल है या नहीं है। इस तरह की फेटिश को हम एल्बिनोफिलिया कहते हैं, जिसके अंदर नेवल, स्टमक, मिडरिफ, मतलब आपके बीच के स्टमक का क्रीज, पूरी स्टमक एरिया मेल्स को बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसे हम सॉफ्ट की कैटेगरी में डालते हैं, सॉफ्ट वीडियोस की कैटेगरी में डालते हैं, और ये मेल्स ऐसे हैं जिन्हें नॉर्मली पूरी बॉडी से इतना प्लेजर नहीं आता जितना नेवल या मिडरिफ से आता है। वैसे तो क्लेवाइकल एरिया भी फीमेल्स के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नेवल फेटिश वालों को या फिर बेली फेटिश वालों को ये एरिया सबसे ज्यादा अराउज करते हैं। ये कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं है। अगर आपको लग रहा है मेरी फिजिकल लाइफ में, मेरी सोशल लाइफ में इससे प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन स्विच टू थेरेपीज, क्योंकि थेरेपीज ही इस तरह की फैंटेसीज का ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर आपको लगता है मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मेरी वाइफ को इससे बहुत प्लेजर आता है और हम मिल के प्लेजर्स लेते हैं इससे, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली हेल्दी। लेकिन इसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो थेरेपीज लेकर आप इसे लोअर डाउन कर सकते हैं। प्लेजर कैसे लिया जाए नेवल फेटिश से, आप अपनी फिंगर्स को रोल कर सकते हैं, आइस क्यूब्स को रोल कर सकते हैं, किसी फेदर को रोल कर सकते हैं नेवल के आसपास, किसी भी तरीके के फेदर, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई पंख ले लिया, उसके आसपास आप रोल कर सकते हैं। आप अपनी वाइफ को बोल सकते हैं कि आप लोअर डाउन पे साड़ी को बांधा कीजिए ताकि वो मुझे अच्छा लगे। अपने पार्टनर को कभी कभार इस तरह की फैंटेसी के लिए कह सकते हैं। बहुत से ऐसे मेल्स हैं जिन्हें इस एरिया पे सक करना या इस एरिया पे पेनिस को रगड़ना अच्छा लगता है, दैट कैन ऑल्सो बी एब्सोल्युटली ओके, और ये आपका एक पर्सनल चॉइस हो सकता है। सो नेवल फैंटेसी प्रॉब्लम देने वाले में से नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे हर किसी का देख के अट्रैक्ट हो रहा है, देन यू कैन इजिली स्विच टू थेरेपीज ताकि वो आपकी हेल्प करें। और थेरेपी के लिए आपको पता है किसके पास जाना है, डॉक्टर नेहा मेहता। तो कंसल्टेशन बुक करने के लिए www.drnehamehta.com। नेवल फेटिश सिर्फ पतली लेडीज के साथ नहीं होता है, बहुत से ऐसे मेल्स हैं जिन्हें चबी हैवी फीमेल्स का नेवल भी या उनकी कमर भी अट्रैक्ट करती है। तो देयर इज नो डिमार्केशन, नो लाइट कलर, फेयर लेडी, डार्क लेडी, एवरीथिंग सूट्स टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल और उनकी फैंटेसीज डिफरेंट होती हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए कोई टॉपिक है कमेंट सेक्शन में लिखो ना यार। और मेरी और वीडियोस सुनने के लिए लवोलॉजी सीखो हमारा नया चैनल है, उसे जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है। सो लेट्स कीप कनेक्टेड, लेट्स हैव मोर एंड मोर वीडियोस कमिंग, कमेंट सेक्शन में टॉपिक छोड़िए।